काफी दिनों के बाद वापस, और क्या बताएं यार, इतने दिनों से गेम प्ले नहीं आ सका है। तो फिलहाल इस वाले मैच में हम जा रहे थे एक रैंडम स्क्वाड से, और भाई होता गया जब चारों के बंदे चार, मतलब आपके पूरे टीममेट जो हों सारे के सारे रैंडम हों, तो वो आपके चलने नहीं देते, मतलब कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। फिलहाल मैं अब यहाँ पर लूप, मतलब उनका लैंड देख लो कि उन्होंने मुझे कहाँ पर लैंड, आई थिंक मुझे ही नहीं मतलब सबको लैंड कराया है, जो जिस भी बंदे ने लैंड कराया है उसका लैंड कराने का तरीका देखो, मतलब भाई सब ऐसी जगह पे लैंड कराया है, यहाँ पे गन टू गन आपको कोई एक पिस्टल तक नहीं मिलने वाली। फिलहाल मेरा लक अच्छा था तो यहाँ से मिल गई है, एक गन मिल गई, एक शॉट गन, एक M4, और वहाँ से हम लूट कर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़े फायर के साउंड आ रहे थे, तो मैं यहाँ से स्कोप लगा के देखता हूँ, हो सकता है यहाँ पर कोई बंदा हो, क्योंकि ऐसी जगह पर ना जो बंदे KD मेंटेन करने के लिए उतरते हैं वो टैप टैप करके फायर करते हैं, जब जो कि मतलब रियल एनिमी को अपने पास बुलाने के लिए ऐसा करते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई आगे बढ़ के देखते हैं, तो जब मैं आगे गया तो वहाँ पर एक बंदा था जो कि बॉट था, तो मैंने उसे इतने इजीली मार दिया, और मार के उसे मेरा किल भी मिल जाता है, जब भाई नॉक आउट करा तो किल तो मिल ही गया, तो एक किल मेरा ऐसे हो जाता है। तो वहाँ से हम लोग यहाँ जाते हैं जहाँ पर चार नंबर नॉकआउट हुआ था, मतलब सब बंदे अलग खेल रहे हैं, किसी को किसी से लेना देना नहीं है, मतलब आप कहीं भी खेलो मुझे कोई मतलब नहीं है, और आप कहीं खेलो, तो सब बंदे रेंडम से होते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं, मतलब कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा, और यहाँ पर एक पूरी स्क्वाड होती थी। फिलहाल मैं अपने चार नंबर को रिवाइव कर देता हूँ, तब तक जिस बंदे ने इसको नॉक किया था वो हम लोगों के ऊपर रश कर देता है, अब भाई उसको जितनी बुरी तरीके से मैं भरने वाला हूँ ये चीज़ देखकर तो लाइक तो बनता है भाई। यहाँ पर तुम्हारा भाई है समझ लो पूरी स्क्वाड को बनकर छोड़ देने वाला है। इनका एक बंदा M4 से नॉक किया, शॉट गन से दूसरा शॉट गन से नॉक किया, तीसरा आया, तीसरे बंदे को M4 से नॉक किया, जबकि उसके हाथ में बैरल थी, वो चाहता तो मुझे नॉक कर सकता था, और अगर वो मुझे नॉक करता तो सीधा फिनिश कर देता, क्योंकि जब मैं उसके तीन बंदे नॉक कर चुका था तो वो मुझे नॉक करके सीधा फिनिश कर देता। फिलहाल मैं यहाँ से तुम्हारे भाई के चार किलो हो जाते हैं, एक स्क्वाड के तीन बंदे मैंने फिनिश किए, और जबकि इनका एक बंदा रह गया, अभी भी इनका एक बंदा रह गया, वो पता नहीं भाई कहाँ चला जाता है। मुझे यहाँ से हील चाहिए थी जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं थी, तो मैं वहाँ से सीधा वहाँ से भाग लेता हूँ, क्योंकि मुझे हेल्थ किट थी नहीं, जब तक मैं बैंडेज रहता था तो मेरे बंदे जो थे मुझे फिनिश कर देते, इसलिए मैं इस रूम के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पर काफ़ी देर के बाद बैंडेज लगाने के बाद मैंने अपनी पूरी हील जो है मतलब हेल्थ पूरी फुल कर ली थी, और मैं अगेन जाता हूँ उनसे फाइट लेने के लिए। इतने में मैं ऊपर से देखता हूँ कि भाई हो सकता है कोई बंदा ऊपर से आ जाए, क्योंकि ये वाला घर जो है ये आपके लिए किसी भी तरह से कोई सेफ नहीं है, क्योंकि बंदे आप इसमें बंदा आपको कहीं से भी किधर से भी मार सकता है, क्योंकि ये जो ये घर इसमें कोई भी कवर नहीं है। अब जब यहाँ से मुझे एक बंदा भागते हुए दिखता है तो मैं उसे फायर भी देता हूँ, पर आपने देखा होगा मैं 4X को कभी नहीं यूज़ करता हूँ, क्योंकि 4X ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब सही है पर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है 4X, ज़्यादातर मैं 3X ही यूज़ करता हूँ। अब जो सामने स्मोक हुआ था उसमें वहाँ पर बहुत सारे बंदे थे, मतलब एक स्क्वाड दो स्क्वाड थी जो आपस में फाइट कर रही थी, और मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा था, क्योंकि जिस स्क्वाड के मैंने तीन बंदे मार के उसका एक बंदा कहीं ना कहीं था, तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ से आ जाऊँगा तो मुझे मार देता, तब तक यहाँ से नीचे से फुटसे आते हैं जो कि मैं यहाँ से मैं तुरंत जंप कर देता हूँ ताकि वो मुझे पीछे से ना मार दें। अगर मैं सामने आता हूँ तो मेरे ख्याल से ये बॉट ही है जिसे मैंने शॉट गन से नॉक किया, और नॉक किया देन फिनिश किया। फिलहाल मैं इस शॉट गन का मशीन में चल रहा है लिविक में, तो साथ साथ ये भी मेरा हो रहा है। फिलहाल उस बंदे को मैंने मारा तो मुझे पता नहीं कि वो बॉट है कि रियल है, फिलहाल मैं जो भी था मैंने उसे मार दिया। अब यहाँ पर एक बंदा मुझे दिखता है, मतलब एक अकेला बंदा मुझे दिखता है, मैं उसे मारने के लिए बिल्कुल यहाँ से खड़ा होकर टीवी भी लेता हूँ, उसमें भी एक गिली सूट वाला मुझे दिखता है जिसे मैंने नॉक आउट फिनिश किया। ये किसी दूसरी स्क्वाड का था, और ये गिली सूट वाला मुझे काफ़ी टाइम से दिख रहा था, पर मैं ये देख रहा था कि ये जो है फायर TP भी लेकर किस पर पिक कर रहा है, और इसको पता नहीं था कि मैं इसके पीछे हूँ, तो मैंने इसे नॉक आउट फिनिश कर दिया। अब जो जिसको ये देख रहा था वो बंदा मुझे दिख गया था, वो पता नहीं भाई देखो क्या हुआ कि मेरा रिसर्च पैक जो है ना वो शो नहीं कर रहा है, इसे किसी की ड्रेस जो है ना किसी की वॉइस मेरे पास आती है ना किसी की वॉइस जाती है ना किसी के स्किन कोई भी मेरे पास शो करा रही है। अब ये जो गाड़ी निकल गई इसमें पूरे के पूरे चार बंदे थे, और मैंने सोचा जाने दो भाई पूरे चार बंदे हैं उनसे कैसे इतने से कवर में फायर लेंगे फाइट लेंगे। फिलहाल ये गाड़ी कहीं ना कहीं मुझे नुकसान देने वाली थी, और वो जो गिली सूट वाले को मार रहा था वो ये सामने बंदा था जो गिली सूट वाला इसी पर पीक ले रहा था जिसको मैंने किल किया था, तो अब इसे भी मारना मुझे था। और वो पीछे जो गाड़ी निकल गई वो कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं भाई काफ़ी बड़ा नुकसान देने वाली थी, हो सकता है उनसे फाइट लेकर उनका एक आध बंदा अपने कर भी देता पर मैंने उस गाड़ी को पूरा जाने दिया। अब मैं जिस बंदे पे फायर कर रहा था आई थिंक इसको गिली सूट वाला इसको ही मार रहा था, ये स्मोक करके यहाँ से निकलना चाहता है, मैं इसे अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, मतलब मैं पूरे मुझे पता था कि स्मोक से निकलेगा जरूर और मैं इसे फिनिश कर दूँगा।
करूँगा, क्योंकि ये बंदा सिंगल है और मैंने उसे अच्छा खासा डैमेज दिया। और तब तक तुम्हारे भाई के साथ देखो क्या होता है, कितना गलत होता है। बस जस्ट ये चीज़ देखो, अब मैंने उसे अच्छा खासा डैमेज दिया। तब तक भाई पीछे से मुझे ये बंदे मार देते हैं। ये भाई गाड़ी वाले थे जो कि मैंने गाड़ी जाने दी। जब मैंने इनका देखा तो इनकी पूरी स्क्वाड थी, जो आप भी देख सकते हो। और अगर मैंने मारता तो हो सकता है इनका एक आध बंदा फिनिश भी कर देता, पर एट देन इसने मुझे मार दिया। जब मैंने देखा तो इनकी पूरी स्क्वाड थी, पर इन लोग ने भी, मतलब जिसको मैंने डैमेज दिया था अच्छा खासा, इन लोग ने भी उस बंदे को मार दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसे डैमेज दे चुका था। वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुलेट का बचा था। तो फिलहाल मैं दोबारा लैंड हो रहे हैं। इस बार भी रेंडम स्क्वाड है। इस बार हम ग्रोनो सुत रहे हैं, क्योंकि मैंने एक मैसेज कर दिया था, मतलब चैट कर दिया था कि भाई जो है कोई अच्छी जगह ले चलो, क्योंकि वॉइस तो आ जा नहीं रही थी। और यहाँ से मुझे फार्मस मिल जाती है और शॉटगन मिल जाती है। इतने में फायर होते हैं हमारे पीछे से, जहाँ पर एक पूरी स्क्वाड उतरी थी, जहाँ पर हमारा एक बंदा 3 नंबर वहाँ पर गया हुआ था, एक टीममेट भाई गया हुआ था उसको, उसके ऊपर वो लोग पूरा फायर कर रहे थे। और मैं वहाँ से अकेला विदाउट बैकपैक, मतलब थोड़ा सा यहाँ से लूट हो गई थी। मैं यहाँ से फिलहाल मैं निकल लेता हूँ उनसे फाइट लेने के लिए। और इस वाले घर में मुझे बंदा दिख भी जाता है, एक बंदा कहाँ पर है। और वो मेरे 3 नंबर पर अच्छा खासा फायर देता है डीपी से, ताकि उसे नॉक आउट फिनिश कर सके। पर वो जो है ना गाड़ी पकड़ के सीधा यहाँ से निकल जाता है। और मुझे इसमें बंदा दिख गया था, और बंदा ही नहीं, मतलब इसमें बंदे थे, क्योंकि यहाँ पर पूरी स्क्वाड उतरी होती है। पर वो पूरी स्क्वाड कोई अलग, पर यहाँ पर आई थिंक 2 बंदे होते हैं फिलहाल। अब यहाँ से जो बंदा भाग कर आ रहा था, मुझे लगा ये रियल है और मैंने इसे नॉकआउट किया। पर मैं ये नहीं देख रहा था कि रियल है क्या है, बस मुझे नॉकआउट करने से मतलब है भाई। अब फार्मस फिनिश भी बेकार है, जिसे आप ना तो आयरन साइड से मतलब अच्छा चला सकते हो, ना ही स्कोप से। फार्मस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फार्मस से बढ़िया आप बैरल कुछ भी चला लो। और इसमें जो रियल वाला बंदा था वो बिल्कुल नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरा बंदा जाता है, मुझे लगा ये रियल है, मैंने इसको भी नॉकआउट किया। अब इसमें जो बंदा था वो अभी भी बाहर नहीं आ रहा था, मैं मुझे लग रहा था कि इनका ही टीम मेट है, वरना वो इनको फिनिश नहीं कर देता। और इतना मैं इसके ऊपर पुश कर देता हूँ, रस करता हूँ इसके ऊपर। यहाँ पर एक बंदा था, अब जो मैंने नॉकआउट किए थे उनके किल तो मुझे मेरे टीम मेट के जरिए मर मिल जाते हैं। पर मैं ऊपर जब यहाँ से देखना चाहता था कि बंदा जीने पर तो टीप भी नहीं ले रहा है, और बिल्कुल वैसा ही होता है कि बंदा जो है जीने पर ही टीप भी लेता है। अब मैं इतना आगे निकल जाता हूँ, जैन मैंने उसे शॉट गन की फायर तो मैंने उसके ऊपर मतलब सारे बुलेट के कर दिए, पर वो बंदा एक हेड उसके ऊपर कनेक्ट हो गया और नॉकआउट किया, देन फिनिश किया। अब इनके बारी बारी करके इसके सारे बंदे आएंगे मेरे ऊपर पुश करने के लिए, मतलब जिसको मैंने फिनिश किया था शॉट गन के, उसके बंदे बारी बारी कर आएंगे मेरे ऊपर, सीधा पुश करने आएंगे। अब उनको कैसे मारता हूँ, अब जस्ट ये चीज़ देखो, मतलब उनका एक बंदा मैंने फिनिश कर दिया शॉट गन से, और अभी भी उनके 3 बंदे बाकी हैं जो कि मुझ पर एक एक करके रश करने आते हैं। ये बंदा आया, नॉकआउट, देन फिनिश। क्योंकि शॉट गन का अब इन दिनों मिशन चल रहा है, तो शॉट गन ये इतनी भी कोई बुरी नहीं है, सारी शॉट गन से अच्छी है। तो इसमें 7 बुलेट आती हैं। अब उनके बचे थे 2 बंदे जो कि मतलब एक एक करके मेरे ऊपर रश कर रहे थे, और पता नहीं भाई सारे बंदे साथ में क्यों नहीं रश कर रहे थे, शायद ये मेरे लिए अच्छा था। तो मैं यहाँ से टीपी भी ले लगता हूँ कि वो शायद जो है बंदा यहाँ से अंदर के लिए आएगा, मतलब इस वाले गेट से, पर वो नेट फेंकता है, ऐसा नहीं करता है, और बिल्कुल मेरे सामने वाली विंडो से जंप करता है। नॉकआउट दिया, देन फिनिश किया। यहाँ पर मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि इसे नॉकआउट शॉटगन से किया, तो मिशन कंप्लीट करने के लिए किससे मैं इसे फिनिश करूं। तो यार अब उनके मतलब मैंने टोटली मतलब 3 बंदे मार दिए थे, और शायद अब मैं यहाँ पर ये सोच कर रुका था कि उनका जो बाकी के दो बंदे हैं वो मेरे ऊपर रस करेंगे, और वो बंदे में इस बिल्डिंग में आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनके 2 बंदे ऑलरेडी मारे जा चुके थे, और बाकी के 2 यहाँ से आने का नाम ही नहीं रहे थे। वो रोटेट करके आते हैं, और मैं उन्हें अच्छा खासा डीपी से डैमेज भी देता हूँ, मतलब वो राइट से मेरे ऊपर रोटेट करके आना चाह रहे थे। और इतने में क्या, मेरे सारे टीममेट फिनिश हो चुके थे और 3 नंबर बचा था, जो इसकी एंट्री यहाँ पर देखो आप, 3 नंबर बिल्कुल मेरे पास आएगा, और पास आता ही नॉकआउट हो जाएगा। इतना जल्दी भाई आता है कि भाई पता ही नहीं, मैं जबकि मैं उसे मार्क करके बताता हूँ कि सामने बंदे हैं भाई, वहाँ पर मत रुकना, सामने बंदे हैं। और मैंने उनके एक जिस बंदे ने मेरे टीममेट को नॉकआउट किया था, मैंने उन्हें नॉकआउट कर दिया। अब मैं यहाँ से सोच रहा था, क्योंकि जब उनका एक बंदा नॉकआउट कर चुके हैं, अब वो एक बंदा है, जब तक वो उसको रिवाइव देगा, इतने में मैं अपने टीममेट को रिवाइव दे दूँ, बस यही सोच के मैं, और यहीं पर मैं सबसे बड़ी गलती कर देता हूँ, यही सोच के मैंने इस बिल्डिंग से जंप लगा दूंगा, क्योंकि उनके 2 बंदे थे, यही सोच कर मैंने जंप लगा दी कि जितनी देर में मतलब वो नॉकआउट वाले को रिवाइव करेगा, इतनी देर में मैं अपने बंदे टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ। पर ये बंदे वो होते ही नहीं है जिनको मैंने नॉकआउट किया था, वो इनकी पूरी स्क्वाड होती है, और जिसको मैंने नॉकआउट किया था वो केवल 2 बंदे थे। अब तो जस्ट ये था गेम प्ले। अगर आपको बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।